नरेंद्र मोदी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो मतदाताओं में जबरदस्त इसका उनके ऊपर असर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी सियासी खबर की, एक ऐसी खबर की हम बात करेंगे जो सबसे पहले आज तक नहीं दिखाई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने आज तक से कहा कि मोदी को पीएफ पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, अगर नीतीश कुमार को ऐतराज है तो वो एनडीए छोड़ दें। सहयोगी दल पर वार के बाद यशवंत सिन्हा ने अपनों को घेरा, कहा गडकरी अगर नामांकन दाखिल करते तो मैं उनके खिलाफ खड़ा होता। मेरे साथ आडवाणी थे और भी कई खुलासे किए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने। देखते हैं हमारे संवाददाता अशोक सिंघल से यशवंत सिन्हा की एक्सक्लूसिव मुलाकात। अपने सवालों और बयानों से बीजेपी और सियासत में बवंड मचाने वाले यशवंत सिन्हा बीजेपी के एंग्री यंग मैन माने जाते हैं। कुछ नए सवालों और बयानों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद यशवंत सिन्हा जी। यशवंत जी, एंग्री मैन बीजेपी के, जब भी कोई बात होती है तो आप सबसे पहले मोर्चा खोलते हैं, चाहे वो नितिन गडकरी का मामला रहा हो। आखिर नितिन गडकरी के खिलाफ आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि आपने जो कहा एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन, जो भी आप डिस्क्रिप्शन इसका देना चाहते हैं, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। आप याद रखें इस बात को कि 12 साल मेरी पूरी नौकरी बाकी थी जब मैंने आईएएस की नौकरी छोड़ी थी। उस समय भी शायद मैं एंग्री मिडिल एज मैन था। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो मुझे राज्य मंत्री बनाना चाहते थे। मैं वापस आ गया था राष्ट्रपति भवन से उल्टे पांव, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो मैं न्याय के लिए लड़ता रहा हूं। और यहां पर भी आप अभी नितिन गडकरी जी का की बात आपके ध्यान में है, लेकिन आप ये ना भूलें कि इसके कुछ दिन पहले ही मैंने अंशुमन मिश्रा का मुद्दा उठाया था कि राज्यसभा में हम किस तरह के व्यक्ति को सपोर्ट करें, इसके बारे में मेरे मन में संदेह है। और फिर वो फैसला बदला गया था। मेरी कोशिश बराबर ये रही है कि न्याय हो, तर्कसंगत बात हो और इंसाफ के साथ, एकदम स्वच्छ छवि के साथ आदमी आगे बढ़े और पार्टी आगे बढ़े। और उसी संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा आज के दिन कि मैंने सार्वजनिक रूप से 20 नवंबर 2012 को कहा था कि नितिन गडकरी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये मैंने उस समय कहा जब उसके एक महीना पहले लगभग जसवंत सिंह जी और हम दोनों ने संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा था आडवाणी जी को और कहा था कि आप पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, आप नितिन जी से कहिए कि जब तक वो पूरी तरह से इस दाग से धुल नहीं जाते हैं, दाग मिट नहीं जाता है, तब तक वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और वो क्लीन चिट उनको मिल जाएगा तो दोबारा वापस लौट कर आए। इस पत्र की प्रति हम लोगों ने नितिन गडकरी जी को भी भेजा था। तो आडवाणी जी चाहते थे, आपकी बात से सहमत, इनको हटाना चाहते थे। हाँ, तो आडवाणी जी से हम लोगों की बातचीत हुई तो आडवाणी जी ने कहा कि वो हम लोगों के पत्र का जो कंटेंट है उससे वो सहमत है, लेकिन जो तरीका हम लोगों ने बताया है कि वो नितिन जी को कहे उससे वो सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें क्या अधिकार है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहें कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को शायद स्वयं इस पर विचार करना चाहिए। फिर आपको याद होगा कि ये सब कुछ चलता रहा, पार्लियामेंट सेशन हुआ। इस पार्लियामेंट सेशन, जो शीतकालीन सत्र हुआ, इसमें बहुत प्रकार की बहस हुई, लेकिन हम लोगों की तरफ से भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा बैकफुट पे थी बीजेपी की साफ तौर से नहीं उठाया। हाँ, की वजह से बैकफुट पे थी। शायद नुकसान तो हुआ, क्योंकि हम भी देश में घूमते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, और नुकसान बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। और इसीलिए चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे नितिन गडकरी के। इसीलिए मैंने पहले पूरा प्रयास किया कि नितिन जी पद छोड़ दें और दोबारा खड़े नहीं हों। जब मुझे लगा कि नहीं, नितिन जी ही उम्मीदवार होंगे, तब मैंने भी तय किया स्वयं। सिर्फ एक आदमी ने मुझे इसके लिए कहा और उनका नाम है महेश जेठमलानी। लेकिन जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम लोग आपके साथ थे। ये तमाम लोग मेरे साथ थे। जसवंत सिंह जी अपने गांव में थे, जोधपुर में। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने फोन किया, वो
तुरंत दिल्ली आ गए मेरे कहने पर। समर्थन करते हैं अगर चुनाव लड़ते आप? और सुनिए, और राम जेठमलानी जी ने तो यहाँ तक कहा कि वो मेरे इलेक्शन एजेंट बन के मेरे साथ चलेंगे नॉमिनेशन फाइल। लेकिन अडवाणी जी आपका समर्थन करते हैं अगर? अडवाणी जी से मैं संपर्क में था, लेकिन ये जो मेरा फैसला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरा स्वयं का फैसला था। इसके बारे में मैंने अडवाणी जी से भी बात नहीं की और किसी से भी बात मैंने संपर्क में थे आपने कहा नहीं संपर्क में थे लेकिन इसके पहले संपर्क में थे। पर नॉमिनेशन फाइल करने के बारे में मैंने अडवाणी जी या और किसी से कोई अनुमति नहीं मांगी। वो भी नहीं चाहते थे कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बने? जब उन्होंने साफ कहा कि जो जसवंत सिंह जी और हमने पत्र भेजा है उसके कंटेंट से वो सहमत है, तो जाहिर है कि वो भी चाहते थे कि वो ना बने। वो ना बनते अगर आप उनके मुकाबले खड़े होते तो आपका समर्थन करते हुए? अब पता नहीं, ये तो भविष्य की बात है। देखिए एक बात आप याद रखिए कि जो इलेक्शन का प्रोग्राम तय हुआ था पार्टी की तरफ से, उसमें चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं थी। उसमें सिर्फ था नॉमिनेशन कितने बजे होगा, स्क्रूटनी कितने बजे होगा, विड्रॉल कितने बजे होगा, घोषणा कितने बजे होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि एक ही व्यक्ति नॉमिनेशन दाखिल करता है, कॉन्टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कॉन्टेस्ट होता, अगर मैं नॉमिनेशन फाइल करता तो कॉन्टेस्ट होता, कॉन्टेस्ट होता तो चुनाव की तिथि चुनाव पदाधिकारी को घोषित करनी पड़ती, और वो जाहिर है कि कल परसों में नहीं होता, उसके लिए समय निर्धारित करना होता। क्योंकि देश भर से जो वोटर्स थे वो मतदाता इकट्ठे होते। यशवंत जी, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आईएएस भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पूर्ति को लेकर कंपनी को लेकर जो सवाल उठा, क्या आपके गले उतरता है जो सफाई ये नितिन गडकरी दे रहे हैं या पार्टी के लोगों ने डिफेंड किया उनको? आप क्या मानते हैं कि वो पाक साफ है या दोषी है? नहीं, मैं उस पर अभी कोई जजमेंट नहीं पास करूंगा क्योंकि उसकी जांच हो रही है। मैं नितिन जी की इस बात के लिए भी सराहना करता हूं कि उन्होंने कहा कि जांच करवा लो, और जांच हो रही है। लेकिन मैं इस बात का समर्थक हूं कि जांच होनी चाहिए, जल्दी जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी, और उसका नतीजा देश सामने आना चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो जो कानून के अनुसार जो कार्रवाई है वो होगी, अगर दोषी नहीं है तो बिल्कुल पाक साफ होकर वो फिर अपनी राजनीति उसी तरह कर सकते हैं। अध्यक्ष बनाने को तैयार है उनको अगर पाक साफ होते हैं? नहीं नहीं, पाक साफ होते हैं तो फिर अध्यक्ष ही क्यों, कुछ भी बन सकते हैं। क्या कुछ? प्राइम मिनिस्टर भी? मैं ये क्यों बताऊं कि क्या बन सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनके लिए फिर सारा आसमान खुला है, लेकिन पाक साफ होना आवश्यक है। यशवंत जी, अब राजनाथ सिंह 2014 का मिशन है, नितिन गडकरी से राजनाथ सिंह क्या बदल देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं देख रहा हूं कि राजनाथ सिंह पर कोई दाग नहीं है अभी तक, और इसी छवि को लेकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के रण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो मुद्दा है जिससे जनता बहुत परेशान है वह है व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई। तो इन दो मुद्दों को अगर लेकर हम लोग जाते हैं जनता के बीच में, तो जाहिर है कि हमको दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या किया था। तो हम दिखाएंगे कि हमने एनडीए के टाइम में महंगाई पर कंट्रोल पाया था, हम ये कह सकते हैं कि हमारे समय में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया, और इनके समय में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतनी महंगाई। तो अपना दामन साफ करके ही आप दूसरे के ऊपर कोई आरोप लगा सकते हैं। नहीं तो एक जो जनरल बात आज के दिन है कि सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, सब लोग उसी रंग में रंगे हैं, इससे कैसे बचेगा कोई? क्या फिर राजनाथ सिंह भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं 2014 में? जो बात हो रही है कि सुषमा, जेटली, नरेंद्र मोदी, अडवाणी, तो क्या राजनाथ सिंह भी जुड़ गए हैं उनकी फहरिस्त? नहीं, वो पहले से शायद होंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए, आज के दिन मैं भी चारों तरफ घूमता हूं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय, सबसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी अगर कोई व्यक्ति है तो वह है नरेंद्र मोदी। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो मतदाताओं में जबरदस्त इसका उनके ऊपर असर पड़ेगा,
और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेंगे, ये मेरा मानना है। चुनाव से पहले उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन पार्टी का फैसला है, पार्टी का भी ये फैसला करेगी वो पार्टी को निर्भर करता है, लेकिन उससे पार्टी को भारी फायदा होगा। आपके एलआई जेडीयू वगैरह तो भाग जाएंगे उससे? भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने रास्ते चलना चाहिए, अपना फैसला करना चाहिए, और हम किसी को भगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई एकदम आमादा है भागने पर तो फिर हम रोक भी नहीं सकते हैं, वो कोई ना कोई बहाना करके अलग हो जाएगा। पर नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी का नाम ही सुनना नहीं चाहते? नहीं तो ये इस भाव से राजनीति नहीं होती है। तो बीजेपी को अपना रास्ता तय करने का वक्त आ गया आपको लगता है? और मुझे एक बात और आपसे कहनी है नीतीश जी और जेडीयू के बारे में, कि एक व्यक्ति को पार्टी में चिन्हित करके नहीं कहा जा सकता है कि ये सांप्रदायिक है, और पार्टी जो है, पार्टी में दूसरे लोग जो हैं वह सेक्युलर है, या तो पूरी पार्टी सांप्रदायिक है या पूरी पार्टी सेक्युलर है। व्यक्ति पर हमको नहीं जाना चाहिए कि यह व्यक्ति ठीक है, यह व्यक्ति गलत है। यशवंत जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपका तजुर्बा है, आप D4 जो बात की जाती है बीजेपी के D4, उसमें क्यों फिट नहीं हो पाए और आपका उपयोग पार्टी क्यों नहीं कर पाते कभी? ये तो इस प्रश्न का उत्तर मैं खुद नहीं दे सकता हूँ, शायद पार्टी से पूछना पड़ेगा कि मेरा उपयोग वो क्यों नहीं कर पाते हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा एक बात बिल्कुल विश्वास के साथ, कि अटल जी की जब सरकार थी, और जिसका हम गुणगान करते हैं और सही ढंग से गुणगान करते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वो जो उपलब्धियां हैं मुख्य रूप से या तो विदेशी मामलों के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो उपलब्धियां हैं, या आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियां हैं। लेकिन जसवंत सिंह जो पार्टी से निकाल ही दिए गए थे, दोबारा लौट के आए, मैं थोड़ा ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी से निकाला नहीं गया। पर यशवंत जी, D4 जो पार्टी की कहा जाता है D4, क्या आपको लगता है पार्टी उन्हीं की बदौलत है? सवाल उठता है D4 को लेकर के। देखिए, इन D4 के बारे में क्या मानते हैं? मैं D4 और D5 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी अगर है तो लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत है देश भर में, उस जनता के की बदौलत है जो बराबर हमारा हर परिस्थिति में समर्थन करती है, और इस विश्वास के साथ करती है कि अटल जी के समय में अच्छा काम हुआ, आगे भी इनको मौका दिया जाएगा तो ये अच्छा काम करेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है। D4 के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ D4 में आप किसका किसका। सुषमा, जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, इन चार लोगों के बारे में अक्सर कहा जाता है जब भी अध्यक्ष की बनने की बात होती है तो इनमें से नाम चल पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर के दादार की बात आती है इन्हीं में से नाम चलता है। देखिए, एक इसमें निष्पक्ष भाव से अगर आप एनालिसिस करें तो सुषमा जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। अरुण जेटली जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हैं। अनंत कुमार जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, उस पर अनंत कुमार जी हैं। और वेंकैया नायडू जो पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी भी उनको पार्टी में बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो ये कहना कि इनको अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी तो बहुत कुछ अहित हो जाएगा, ये मैं मानता हूं कि सही नहीं है। मतलब चार लोग पार्टी में महत्वपूर्ण है और इन्हीं की बदौलत पार्टी चल रही है, आपका ये कहना? ये उनकी बदौलत पार्टी चल रही है मैंने नहीं कहा, मैंने कहा लाखों कार्यकर्ताओं और जनता के समर्थन से ये पार्टी चल रही है। लेकिन D4 का कॉन्सेप्ट से आप? D4 मीडिया का कॉन्सेप्ट है, पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का दावेदार भी इन्हीं में से बनता है, प्रेसिडेंट का दावेदार भी इनमें से बनता है? हाँ, क्योंकि आज के दिन ये शीर्ष के नेता है। अब वाजपेयी जी और आडवाणी जी, तो वाजपेयी जी तो स्वस्थ नहीं है, आडवाणी जी चेयरमैन है पार्लियामेंट्री पार्टी के, लेकिन पार्टी के किसी दूसरे पद पर नहीं है। और आप? मैं तो कहीं नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी शायद अपील ही नहीं है जनता के बीच। सुषमा जी, जेटली साहब की अपील है तो आपको लगता है कि होगी? तभी ना पार्टी उनको इतने जिम्मेदारी का पद दी हुई है। आपको कभी मलाल नहीं होता कि आपको विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या कोई पद, आपको कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है? नहीं, मेरे को कोई मलाल नहीं है।
क्योंकि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हूं और जो भी जिम्मेदारी मेरी है आज के दिन लोकसभा में उसका निर्वहन कर रहा हूं बखूबी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा में लगा। लेकिन क्या वजह क्या है आपको पार्टी में मेन स्ट्रीम में नहीं माना जाता? आप बड़े पोर्टफोलियोज मेरे वाजपेयी के टाइम विदेश मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कोर टीम के मेंबर थे वाजपेयी जी की, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ यशवंत जी कि आप किसी? देखिए मैं कोर टीम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जिसमें 5 लोग थे और वह कमेटी जो फैसला करती है देश की सिक्योरिटी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, युद्ध होगा कि नहीं होगा उसके बारे में, उसका मैं सदस्य था। तो अब वो समय समय की बात है, समय समय की बात है। तो ऐसे क्या समय बदल गया यशवंत जी? बदल गया होगा ना, तभी तो नहीं हूँ। कौन आपको पसंद नहीं करता पार्टी में? अब ये मेरी जानकारी में नहीं, हमारे सामने तो कोई नहीं कहता है कि आपको मैं नापसंद करता, हम नापसंद करते हैं या आपका काम ठीक नहीं था या पार्टी के भीतर आप अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, ऐसा हमसे किसी ने नहीं कहा है। लेकिन शायद दूसरे लोग हमसे अच्छे हैं, बेहतर हैं, इसलिए आगे हैं। यशवंत जी एक और आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप झारखंड की पॉलिटिक्स के चक्कर में पार्टी पे दबाव डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि आप मुख्यमंत्री वहां बनना चाह रहे थे, चाहे वो राजनाथ सिंह का कार्यकाल हो उसके बाद नितिन गडकरी का, इसीलिए तमाम सवाल आप उठाते हैं। देखिए अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया, अक्सर ये सवाल हमसे झारखंड के पत्रकार भी पूछते रहे हैं। अभी मैं रांची हवाई अड्डे पर हमसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप झारखंड को बाईपास कर जाते हैं, झारखंड की राजनीति में जितनी रुचि आपको लेनी चाहिए आप नहीं लेते हैं। और मैंने कहा कि मैं रुचि लेता हूं, मैं जब भी पार्टी बुलाती है तो मैं उसमें अपनी भूमिका निभाता हूं और साथ ही साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करता हूं। तो जितनी मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के अनुसार मैं काम कर रहा हूं। एक सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ नितिन गडकरी से पूर्ति वाले कंपनियों के मामले में जो आरोप लगे उससे असहमत है? जो उनका 3 साल का कार्यकाल था वो ठीक ठाक रहा या उसको लेकर भी आपको लगता है पार्टी प्रोग्रेस नहीं कर रही? नहीं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा उनसे जो मैं मतभेद भी नहीं कहूंगा, जो भी विचार मेरे मन में आया वो पूर्ति ग्रुप के कार्यकलापों को ही लेकर आया। आप प्राइम मिनिस्टर की रेस में क्यों नहीं है यशवंत जी? कोई प्राइम मिनिस्टर की रेस में प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनता है, क्या बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जिसके यहाँ लिखा होता है। तो जो जितने रेस में आपको लगता है कि जब तक यहाँ नहीं लिखा हो तब तक नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा, मतलब सिर्फ दावेदार है ये कोई? नहीं, अभी तो दावेदारी है ना, पद खाली नहीं है तो दावेदारी ही होगी ना। धन्यवाद यशवंत जी। ये थे यशवंत सिन्हा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि नितिन गडकरी के बारे में उन्होंने पहले ही कहा था अगर उनको समय रहते हटा दिया जाता तो पार्टी का इतना नुकसान न होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने का वक्त आ गया है। कैमरामैन ताहिर के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। कि नरेंद्र मोदी को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो मतदाताओं में जबरदस्त इसका उसके ऊपर असर पड़ेगा।